गाइस वेलकम टू ऑन माय चैनल शेफ पहाड़ी। मैं संजय आया हूँ आज एक और उत्तराखंड के एक और नए खाने व्यंजन के साथ, पहाड़ी चाउमीन, जिसको हम यहाँ चंपने भी बोलते हैं। इसको खाने के बाद आप बाजार की चाउमीन तो वाकई में भूल जाएंगे, ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है बनाने में भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहाड़ी चाउमीन बनाने के लिए हमको चाहिए 4 से 5 कप आटा। मसाले के लिए हमको चाहिए 2 बड़ी चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 4 से 5 कलियां हरी मिर्च की, और हमने 1 गांठ पूरी लहसुन की ले ली है, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी, और गार्निशिंग के लिए हम लेंगे ब्लैक सेसमी सीड्स और स्प्रिंग अनियन, और तड़के के लिए हम यूज करेंगे जम्बू। अगर आपके पास ये जम्बू नहीं है तो आप जीरा का तड़का भी लगा सकते हैं। धनिया, जीरा, अजवाइन, लहसुन और मिर्च को हम पेस्ट बना लेंगे पीस के अपने सिलबट्टे में। आटे को हम गूंद लेंगे एक वार्म वाटर में, ध्यान रहे आटा सख्ती ही गूंदे, आटा गीला नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे आपका आटा सख्ती ही रहे, अच्छे से हमें आटा गूंद लेना है। हमारा आटा गूंद के तैयार है, उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। सो गाइस, अब हम अपने नूडल्स बनाएंगे। हमको 2 से 3 लीटर पानी उबल लेना है, जिसको हम अच्छे से उबाल लेना है, और ध्यान रहे जो हमारे नूडल्स जो हम आटे के बनाएंगे वो ठंडे पानी में हमको नहीं डालने हैं, उबलते हुए पानी में ही हम उनको बॉइल करेंगे। तो वैसे हम इतनी छोटी छोटी लोइयां ले लेंगे जिनको हाथ के सारे हम रफ करेंगे, और हमें कुछ इस तरह के शेप के बना लेने हैं। आप चाहे तो मशीन से भी इसको बना सकते हैं, सबसे इजी रहेगा, हाथ से बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास घर में मशीन है तो आप मशीन के सहारे से भी इसको बना सकते हैं। सो गाइस, मशीन में हम आटा अच्छे से भर लेंगे। सो आपको जितने लंबे नूडल चाहिए उस हिसाब से आप इसमें बना सकते हैं। सो गाइस, हमारा पानी बॉईल हो चुका है, और आपको जितने आपके कंफर्टेबल के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतने लंबे आप नूडल्स कर सकते हैं। इसको कट कर लेना है। इसको घर में एक बार जरूर ट्राई करना। जब तक हमारे नूडल बॉईल होते हैं तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे सिलबट्टे में पीस के। सो हमारे नूडल्स यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, इनको हम कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे उबलता हूँ। हमारे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, इनको अच्छे से हम और बॉईल करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। मसाले पीसने से पहले हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे, तवे में हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। धनिया, जीरा, अजवाइन एक साथ हमें अच्छे से भून लेना है। नमक, जीरा, धनिया और गार्लिक और अजवाइन को हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो गाइस, हमारे नूडल्स बॉईल होके तैयार हैं, तो अब इनको हम अच्छे से छान लेंगे। इसे अच्छी तरह छानने के बाद हमें ठंडे पानी से 1 से 2 बार धो लेना है, जिससे इसका चिपचिपापन दूर हो जाए, और जब हम इसको बनाएं ताकि वो चिपके ना और ज्यादा मैसी ना हो पाए। तो गाइस, हमारा मसाला पीस के रेडी है। सो अब हम लेंगे एक मोटी सी कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल,
जाएगा। इसमें लगाएंगे हम जम्बू का तड़का, अब डालेंगे हम इसमें मसाला, हमारा मसाला भून के तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम अपने आटे के नूडल्स। सो गाइस हमारे पहाड़ी नूडल्स बनके तैयार हैं, पहाड़ी चाउमीन। सो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये हमारी पहाड़ी चाउमीन कैसे लगी। सो गाइस आप इनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, काफी अच्छे होते हैं। और अगर बच्चे मांगे कि बाजार की चाउमीन, सो इससे अच्छा इनको बना के ये खिला दो, सो खुश हो जाएंगे। सो गाइस ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं अपने पहाड़ी चाउमीन को एंजॉय करता हूँ।